आज हम मिलन मांझी के भाई के साथ सुबह से निकले हुए हैं, और जैसे कि आप सबको हमने एपिसोड फर्स्ट में आपको दिखाया कि सुबह से हम कैसे निकले थे, कहाँ से चले थे, तो अभी हम आपको एपिसोड टू में दिखाएंगे कि सुबह जब सुबह का 7-8 बजे का 8-9 बजे का जो टाइम होता है उस समय कैसे मिलन भाई सुबह क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, फिर इसके बाद हम ऐसे ही हम आपकी इनकी पूरी जर्नी को आप दिखाएंगे। मिलन मांझी भाई के साथ मैं सुबह निकला था लखनऊ से। आज मैंने सोचा कि एक दिन मिलन भाई की ज़िंदगी जो ये लाइफ चल रही है इसका एक दिन इनके साथ गुजार के देखे कि कैसे ये रहते हैं पूरे दिन। तो आज हम सुबह इनके साथ निकले थे, करीबन 6:30 बजे के करीब हम लखनऊ से निकले थे। तो अभी हम लोग इटौंजा रोड सीतापुर होते हुए, मैं आपको घड़ी दिखा रहा हूँ, ये मैं इनके साथ अभी जो चल चुका हूँ, आप मेरी घड़ी देख पा रहे हैं, 1 घंटा 16 मिनट हो चुका है इनको इनके साथ चलते हुए मेरे को, जिसमें से मैं हमने 6.11 डिस्टेंस किलोमीटर इनका इनके साथ ट्रैवल कर चुके हैं। 7505 स्टेप मैं चला हूँ इनके साथ, और ये इनके साथ अभी चल के, अभी हम लोग टाइम जो हो रहा है 8:15 बजे का हो रहा है, और ये जगह अपनी कौन सी है, ये करीबन हमारा जो चंद्रिका देवी मंदिर है उससे पहले एक चौराहा पड़ता है, तो हम वहाँ पहुँचे। तो चलिए भाई से पूछते हैं अभी, भाई किस लिए रुके थे यहाँ, मिलन भाई बताएं जी। मुझे थोड़ा वॉशरूम जाना था, थोड़ा सीवे को थोड़ा वो बताया। आज ऐसा क्या हो गया आप थोड़ा बताएं, आज थोड़ा आपने कल शाम को मेरे को एक चीज़ बताई थी कि मेरे साथ जो सबसे बड़ी समस्या है किलोमीटर चल लूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो एक्चुअली है, मैं बहुत लोग मुझे जो नज़दीकी से मेरा दोस्त लोग हैं, मेरा फैमिली मेम्बर है जो मुझे करीब से जानते हैं, वो लोग जानते हैं, भैया भी आज जान चुके हैं कि मैं मेरा 30 किलोमीटर चलना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं 40 तक खींच लेता हूँ, वो मुझे कष्ट नहीं होता उतना ज़्यादा, जितना कि कष्ट होता है कि सुबह अगर कोई बोल दे मिलन तू 3 बजे नींद से उठ जा या 4 बजे तक उठ जा, तो वो मुझे बहुत दिक्कत करता है। मतलब मैं सुबह को बहुत पहले भी बार बहुत बार कह चुका हूँ कि मैं 2-3 साल जब तक प्रैक्टिस किया था कभी सुबह कभी नहीं उठ पाता, वो बहुत दिक्कत होता है मेरे लिए, तो बहुत दिक्कत होता है मैं इसीलिए। आज कितने बजे उठे थे? हाँ जी, आपका आपके वजह से हम 5 बजे उठ गए थे, एकदम पूरा 5 बजे, पूरा 5 एकदम 5 बजे, 5 मिनट उठाए तब तैयार हुआ, फिर 5:30 या 6 बजे तक निकल गए वहाँ से। हाँ 6:30 बजे हम लोग निकल चुके थे, 6:30। तो भाई अभी फ्रेश व्रेश, क्योंकि इनको आज थोड़ा इनकी रूटीन हमने चेंज कर दी, चेंज हो गया था आज का। तो अभी हम लोग करीबन जैसे मैंने आपको दिखाया घड़ी से 6.25 किलोमीटर हम लोग कर चुके हैं। ये देखो आप लोग एक बार देख लेंगे अभी, ये इनके पाँव की, क्योंकि ये देखिए अभी कंडीशन इनके पाँव की है, जिस तरह दिखाना ये इनके दोनों पाँव आप देख पा रहे हैं, ये इनकी हालत हो चुकी है पाँव की जी। चलिए हम इससे जुड़े रहेंगे, अभी आगे 6 किलोमीटर बाद जहाँ भी हम रुकेंगे फिर वहाँ से आपको और सेकंड थर्ड पार्ट आपको शो कराएंगे। ठीक है मिलन भाई, और कैसा लगा, क्या बढ़िया मजा? हम तो चाहते हैं कि आप हमारे साथ लद्दाख तक आए पूरा जर्नी में जी, क्योंकि हमको भी शायद कोई कंपनी मिल जाएगा, आप दोस्त मिल जाएगा, भैया मिल जाएगा यहाँ पे। बोलो, और आप लोग ज़रूर यूट्यूब में भैया को देखिए, मेरा जर्नी को देखिए, भैया इसके बाद भी बहुत सारा काम करेगा यूट्यूब में, वो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा, आपको अच्छा कॉन्टेंट मिलेगा, आपको देखने में मज़ा आएगा, तो आप लोग ज़रूर यूट्यूब को फॉलो कीजिए, भैया का चैनल है द बाइसाइकिल मैन ऑफ इंडिया, फेसबुक में पेज भी है, वो भी थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अभी हम अगले किलोमीटर पे मिलते हैं। हम लोग अभी चंद्रिका देवी मंदिर का जो रास्ता है चौराया सीतापुर रोड पे है, तो अभी हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, और सुबह से 7.5 किलोमीटर के करीब राइड वॉक कर सके हैं, और अभी हम चंद्रिका देवी वाले रूट पे पहुँच रहे हैं। ये चंद्रिका देवी मंदिर का जो चौराहा है मेन रोड सीतापुर पे, जो 11 किलोमीटर अंदर मंदिर है उसी चौराहे पे अभी हम पहुंच रहे हैं। ये है मिलन भाई, कैसे हो मिलन भाई? बढ़िया, आज पहला एक्सपीरियंस मेरा रहा है इनके साथ, 35वां दिन है और 35 किलोमीटर का देखते हैं कितना होगा 35। ये आप देख रहे हैं, और ये चंद्रिका देवी वाला मार्ग है, ये चंद्रिका देवी मंदिर का मार्ग है। आ जाओ मिलन भाई, गन्ने का जो सामने पियेंगे, आ जाओ नीचे 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 पिए हैं वो शांत, आज नीचे पियेंगे आ जाओ। अभी हम 7.5 किलोमीटर का करके गन्ने के जूस के लिए रुके हुए हैं। मिलन भाई जो कि पहले एनर्जी ड्रिंक लेते थे, मेरे को भी बोले नीरज भाई हम एनर्जी ड्रिंक ले लेते हैं, मैंने बोला नहीं अभी गन्ने का टाइम चल रहा है। क्यों आप कह रहे थे एनर्जी ड्रिंक लेने के लिए, क्या हुआ? अब नहीं लोगे? किसान को भी सपोर्ट मिलेगा, और गन्ने को अभी हम गन्ने का जूस पी रहे हैं। ये देखिए
ये चंद्रिका देवी मंदिर का रास्ता है, ये इधर वो मेन गेट है चंद्रिका देवी का जी। ये हम लोग अभी करीबन मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं मेरी घड़ी में आपको अभी टाइम 17 पॉइंट, ये आप देख रहे हैं 17.88 किलोमीटर, मतलब करीबन 18 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं लखनऊ से। ये सीतापुर रोड है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और जिसके कारण अभी हम लोग रुक गए थे। अभी मिलन भाई के साथ मैं निकले हुए थे, अभी हम करीबन 18 किलोमीटर कर लिए। धूप बहुत ज़्यादा है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा था। मैं आज पहली बार भाई के साथ निकला हूँ कि भाई कैसे करते हैं देखने के लिए। तो ये पेड़ है, इसके नीचे हम लोग बैठेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं 10-20 मिनट। हाँ मिलन भाई बताइए, क्या कैसा कुछ क्या अनुभव अभी लखनऊ से निकले? अच्छा ही है, बस गर्मी तो अभी पर 3 दिन का जो जितना दिन जा रहे हैं अभी उसके तरफ, कश्मीर की तरफ, लद्दाख की तरफ, तो धूप अभी बहुत ज़्यादा है। कहते हैं ना, मेहनत करते हुए घिसना पड़ता है मंजिल, उतनी जितनी जितना रास्ता कठिन होता मंजिल उतनी अच्छी होती है। तो ये अभी रास्ता मंजिल के लिए रास्ता है, ये जितना कठिन हो रहा है मंजिल लद्दाख उतना ही प्यारा है। तो आपको आपका शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये नहीं कि बस जोश में होश खो बैठो, आपको शरीर ठीक रख के फिर आपको चलना है। तो अभी हम लोग करीबन 18 किलोमीटर कर चुके हैं, 10 मिनट का एक ब्रेक लेंगे फिर यहाँ, फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे। आज करीबन 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर हम लोग करेंगे। तो जैसे कि आपने सुन लिया मिलन भाई से, चलिए शाम को मिलते हैं।